हेलो एवरीवन, दिस इज आयुषी। आज मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो या लाइक करो। ये वीडियो सिर्फ मेरी खुशी को जताने के लिए कि मैं बहुत खुश हूँ जो डिसीजन लिया गया है, और डिसीजन लिया गया है या फिर एनकाउंटर हुआ है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं बहुत खुश इसीलिए हूँ कि जहाँ पे ये वारदात हुई थी उसे आरोपियों की सजा वहीं पे मिली, और हमारी कंट्री पूरी कंट्री खुश है कि आरोपियों को सजा उसी स्पॉट पे मिल गई। सो ये जो इंसिडेंस हुआ है और जिस तरह से हैदराबाद पुलिस ने वर्क किया है वो सच में काबिले तारीफ है, और मैं प्रे करूंगी और मैं कोशिश भी पूरी करूंगी जितना मैं कर सकती हूँ, और आप भी करें कि जिस तरह से ये न्याय हुआ है, ये फैसला हुआ है, इसी तरह से हर बार नहीं बिल्कुल भी, जो प्रीवियस केसेस पेंडिंग है, जो प्रीवियस रेप केसेस पेंडिंग है, उनका वो जल्द से जल्द सॉल्व हो और उनके आरोपियों को भी सख्त से सख्त सजा मिले। सो थैंक यू सो मच हैदराबाद पुलिस। ये जो चीज हुई है इसने वापस जो हमारी एक आम पब्लिक है, जो इंडिया की कंट्री है, जो गर्ल्स है, उनके अंदर जो एक इनसिक्योरिटी आ गई थी, एक दहशत आ गई थी, और दहशत सभी के अंदर आई थी, और उसका एग्जाम्पल मैं खुद अभी देना चाहती हूँ। मुझे कभी डर नहीं लगता था, मैं बहुत सिक्योर फील करती थी अपने यहाँ वर्क करने के बाद। जब भी मुझे घर जाना होता था मैं लेट नाइट आराम से वर्क कर लेती थी, लेकिन ये इंसिडेंट्स की वजह से मैंने अपना हाफ डे लिया और मैं प्रॉपर टाइम पे बिफोर 8 PM अपने घर पहुंच जाऊं, इसलिए मैं भी आज प्रिकॉशन लेकर जल्दी जा रही हूँ। तो हाँ, हमारी कंट्री की हर महिला अब डरी हुई थी, अभी तक बहुत ज्यादा डरी हुई थी, तो अब वो भी सिक्योर फील कर रही थी करेंगी। और आप भी इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करें, इस वीडियो को शेयर नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस जो एक्शन लिया गया है इसके सपोर्ट में रहे, क्योंकि हो सकता है कुछ असामाजिक तत्व इसका भी ऑब्जेक्शन करें तो, लेकिन आप सभी को, हमारी कंट्री के हर पर्सन को इसका सपोर्ट करना है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड इट्स रियली हैप्पीएस्ट मूवमेंट फॉर आवर कंट्री। थैंक यू सो मच। और मेरे नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो फर्स्ट आने वाला है जिसपे मैं बताऊंगी कि पुलिस ने जो ऐप आप लोगों को प्रोवाइड की है उसे आपको कैसे यूज करना है सिक्योरिटी पर्पज के लिए, एंड नंबर टू हमेशा आपके बैग में क्या होना चाहिए आप अगर ट्रेवलिंग कर रहे हैं तो, बीइंग गर्ल आपको क्या हमेशा आपके साथ रखना चाहिए। तो अगर आप इन दोनों टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू सो मच।